नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां पर मस्तान सेवा समिति द्वारा गांव में बांटा गया मास्क और किया गया कोरोना को लेकर जागरूक। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, बने रहें आप यूथ कॉर्नर के साथ। जनपद प्रयागराज के कौधियारा थाना क्षेत्र के गोड़ी गाँव में मस्तान सेवा समिति द्वारा सोमवार को कोरोना के संक्रमण के बढ़ते कदम को रोकने के लिए विनय विश्वकर्मा व समिति के सचिव अमृतलाल विश्वकर्मा, अध्यक्ष आशा शर्मा, सदस्य पुष्पेंद्र कुशवाहा, राजमणि कुशवाहा, विमल विश्वकर्मा ने गोढ़ी के गाँव वासियों के घर जाकर लोगों से कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया और गाँव वासियों को कोरोना बीमारी और बचाव से संबंधित समझाया कि बगैर मास्क लगाए किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। सतर्कता और एकांतवास ही इस महामारी का इलाज है। वहीं बचाव के लिए कई उपाय बताएं और जागरूक किया। सभी गाँव वासियों को मास्क बांटा गया। वहीं गाँव वासियों ने मास्क पाकर बहुत खुश हुए। विनय विश्वकर्मा व समिति के सचिव अमृतलाल विश्वकर्मा ने बताया कि समिति सदैव समाज के सेवा के लिए अग्रणी है। बीते वर्ष भी लॉकडाउन में समिति की ओर से लगातार जरूरतमंदों लोगों को राशन व भोजन पहुँचाया गया था। इसके साथ ही समाज को सहयोग के लिए समिति ने कई सराहनीय कार्य किए हैं और इस प्रकार करते भी रहेंगे। समाज के लिए समिति कभी भी पीछे नहीं हटेगी। स्वास्थ्य सेवा समिति की ओर से ग्राम गोठी में मास्क का वितरण किया गया। लोगों को कोरोना से बचने के लिए उपाय बताया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए बताया गया और कहा कहीं भी घर से बाहर निकले बाहर रखें। मैं मस्तान स्वास्थ्य सेवा समिति का समिति का सचिव हैं। मैं सबके साथ मिलकर आज इस गांव में वितरण किया और अन्य गांवों में प्रोग्राम के अनुसार वितरित होगा। आपका परिचय? मेरा नाम अमृतलाल शर्मा है। मस्तान शाह बाबा सेवा समिति का मैं सचिव हूँ और वहीं काम मस्तान बाबा की देख रेख में काम कर रहा हूँ। कौन सा गाँव है ये? एक गाँव गोठी है, गोठी पोस्ट बिलसारा प्रयागराज। देखिए, मस्तान सेवा समिति के द्वारा ये बांटा जा रहा है। लोग कोरोना से बचने के स्वयं बचे दूसरे को बचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी को आदमी से बात करना हो मास्क लगा से बात करिए, नहीं 6 फीट की दूरी से बात करिए और उनको बताइए कि मास्क लगाओ, किसी से अच्छा है और किसी से शरीर बचेगी, जान है तो जहान है। और सबको बताइए और बच्चों को निकलने में से बिना मास्क के गोठी से मसान से बांटा गया है। मैं वहाँ का हूँ, मेरे मसान बाबा लगाए रहा। सही है, क्योंकि भाई आप बीमार हुई हैं, जरूर लगा हुआ। कहीं भी बाहर जा, कहीं भी कहीं बिना मास्क के नहीं जा, कहे कि महामारी ऐसा है तो उसे बचना जरूरी है। ठीक है, नहीं मास्क लगाना जरूरी, ना मास्क के बाहर नहीं। बैठा मास्क लगा के, मास्क बिना लगाए तुम दिखाई न पड़े। नहीं है, मगर हम खाना लगाइए, दूसरे को भी जागरूक करिए। बाहर जब भी निकलिए तो मास्क जरूर लगाए, मास्क निकलवा। मामी हरे आई रही मास्क लगाए रहे और रुमालों से बांधे महामारी है। जब मास्क लगाए जरूर निकले बाहर, बिना मास्क के तब भी रुमाल कितना निकल नहीं। मसान बाबा तरफ से मार्ग मतलब बाहर निकलिए तो बिना मास्क के ना निकलिए। यह खास रिपोर्ट थी प्रयागराज से लालचंद प्रजापति की।